आपका हमारे चैनल PDPM नॉलेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, फिर अदर स्टेट के जो टेट, TGT, PGT और KVS वैकेंसी जो आई है उसके रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQ है, जो कि आपको अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इसे एक बार अवश्य देखें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। इसमें आपको पूरी डिटेल से जानकारी उसकी व्याख्या के साथ शेयर की जाएगी। तो आइए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का यूपी टेट का पेपर है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसका व्याख्या के साथ हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इसको इस वीडियो में हम शेयर करेंगे, तो आप इसको देखिए ज़रूर। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी सामूहिक परिचर्चा, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट विधि एंड ऑप्शन डी सहभागी विधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान विधि। आपको पता होगा कि शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। व्याख्यान विधि क्या है? व्याख्यान विधि प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान विधि। क्वेश्चन नंबर टू, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? आग्रहण, ज्ञान, व्यवस्थापन या अनुक्रिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञान। ज्ञान जो है ब्लूम के वर्गीकरण भावनात्मक पक्ष से संबंधित स्तर नहीं है। तो ब्लूम का वर्गीकरण जो किए थे ब्लूम ने, उनके भावनात्मक पक्ष के कौन कौन से स्तर हैं, तो आज हम आपको बताते हैं। तो पहला है आग्रहण, दूसरा है प्रतिक्रिया, तीसरा है अनुमूल्य, चौथा है संगठन एंड पाँचवा है स्वांगी स्वाभाविकरण। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञान। क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर या फिर अभिप्रेरणा स्तर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अभिप्रेरणा स्तर। तो शिक्षण के कौन कौन से स्तर हैं? तो शिक्षण के तीन स्तर होते हैं, पहला स्मृति स्तर, दूसरा अवबोध स्तर और तीसरा चिंतन स्तर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, अधिकम प्रक्रिया उद्दीपन एवं -- के बीच की संगति है? ऑप्शन ए अनुक्रिया, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी पूर्व अनुभव एंड ऑप्शन डी व्यवहार। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुक्रिया। अधिकम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति है, ये किसने कहा था? तो थार्नडाइक ने कहा था कि अधिकम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच एक प्रकार से संबंध बन जाते हैं, जिन्हें उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्न में कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर, ऑप्शन बी निगमन, ऑप्शन सी आगमन एंड ऑप्शन डी समस्या समाधान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समस्या समाधान। जैसा कि आपको पता होगा, समस्या समाधान विधि, मानसिक उद्वेलन विधि आदि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। सो प्रगतिवादी शिक्षण विधियों में बालक सक्रिय रहता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए ऑप्शन ए बी एंड इधर नेक्स्ट सी एंड डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रवाह, विविधता, मौलिकता एंड विस्तारण। तो सृजनात्मकता वह योग्यता है, आपको पता है सृजनात्मकता क्या होती है? तो सृजनात्मकता वह योग्यता होती है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विहतापूर्ण समाधान खोजने के लिए, नवीन ढंग से सोचने के लिए समर्थन देती है या फिर समर्थ बनाती है। तो उसके कौन कौन से तत्व होते हैं? तो पहला होता है प्रवाह, दूसरा होता है विविधता, तीसरा होता है मौलिकता एंड चौथा होता है विस्तारण।
तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थार्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि थार्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। थार्नडाइक के सीखने के गौण नियम कितने हैं आपको पता ही होगा, तो इनके 5 नियम हैं। तो कौन कौन से वो हैं? पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है सादृश्यता का नियम और पांचवा है साहचर्यतात्मक रूपांतरण का नियम। इसलिए विकल्प बी सही होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं है सीखने के गौण नियम। क्वेश्चन नंबर 9, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? ऑप्शन ए ऊर्ध्व अंतरण, ऑप्शन बी द्विपार्श्विक अंतरण, ऑप्शन सी शैक्षिक अंतरण, ऑप्शन डी धनात्मक अंतरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्व अंतरण। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा परीक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की उच्च परिस्थितियों में अध्याय में किया जाता है, तब इसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण का नियम कहते हैं। ये किसने दिया था आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण संबंधी अक्षमता क्या है? ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी डिसफेसिया एंड ऑप्शन डी डिसग्रेफिया। आप कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिसफेसिया। डिसफेसिया एक भाषा है एवं वाक संबंधी विकृति है जिसे ग्रसित बच्चे विकार की अभिव्यक्ति या व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करते हैं, उन्हें बोलने में समस्या होती है जिसके कारण इसे डिसफेसिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? ऑप्शन ए संवर्धन उपागम, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या, ऑप्शन सी वैयक्तिक अनुदेशन एंड ऑप्शन डी त्वरण उपागम। आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वैयक्तिक अनुदेशन। वैयक्तिक अनुदेशन जो होता है मंदित मना बालकों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा संचालित विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ऑप्शन सी सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो आप कमेंट करें राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो आपको जैसा कि पता ही होगा कि शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये तो करेक्ट है। एंड नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी एंड डी, ये दोनों भी करेक्ट है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है एंड वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। और आपका जो गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका है ए, ऑप्शन ए, और यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, तो क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अभिक्षमता, रुचि, मूल्य या फिर अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभिक्षमता। तो आपको पता होगा कि किसी क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता एवं विशिष्ट क्षमता को अभिक्षमता कहा जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ब्रूनर की प्रतिबिंबनात्मक अवस्था पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? ऑप्शन ए मूर्त, ऑप्शन ए
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी संवेगात्मक गामक अवस्था, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था एंड ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी आइसेक, ऑप्शन सी फ्रॉयड एंड ऑप्शन डी अल्पोड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रॉयड। फ्रॉयड जो है आपके गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो आपको इसका व्याख्या के तौर पे हम आपको बता देते हैं कि व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। अल्पोड का सिलगुण सिद्धांत होता आता है, कैटलन का सिलगुण सिद्धांत और आइजेक का जैविक सिलगुण सिद्धांत आता है, जबकि फ्रॉयड क्या है व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? ऑप्शन ए चिंता, ऑप्शन बी नकारात्मक मानसिक वृत्ति, ऑप्शन सी सूझ एंड ऑप्शन डी भग्नाशा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूझ। सूझ या अंतर्दृष्टि समस्या समाधान की एक विधि है जिसमें प्राणी अपने सम्मुख उपस्थित समस्यात्मक परिस्थिति पर पूर्ण विचार करके समस्या का समाधान खोजते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में कौन सा एक संवेग है? ऑप्शन ए आमोद, ऑप्शन बी ध्यान, ऑप्शन सी उद्दीपक एंड ऑप्शन डी स्मृति। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आमोद। तो ये कौन बताया था इसके बारे में? तो आपको हम बताते हैं कि मैकडूगल द्वारा बताए गए 14 प्रकार के संवेग हैं। तो आपको पता होगा कौन कौन से संवेग हैं, भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, वृत्ति भाव और आमोद, जिसमें से आमोद भी एक है उन संवेग का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। FICS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित हैं? ऑप्शन ए फ्लैंडर, ऑप्शन बी मॉरिसन, ऑप्शन सी हर्बर्ट एंड ऑप्शन डी लिपिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लैंडर। FISCS मैड ए फ्लैंडर से संबंधित है।